तो इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे ग्राफिक टैबलेट एक्सपी पेन, और जिसका जो मॉडल है वो डिको 01V2 है। इसमें मॉडल V1 भी आता है, V2 भी आता है, और बाकी भी इसके वेरिएंट आते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें जो ग्राफिक टैबलेट का मेन पर्पज है वो ग्राफिक डिजाइनिंग में आ सकता है, लिखने के लिए आ सकता है, आप लोग ऑनलाइन टीचिंग के लिए आ सकता है। तो मेरा पर्पज इसमें ऑनलाइन टीचिंग ही है और वीडियो मेकिंग है यूट्यूब के लिए। एनीवेज, इसकी जो आपके पास स्पेसिफिकेशंस हैं वो कुछ इस तरह है कि आप लोगों के पास इसका जो वर्क एरिया है, वर्क एरिया मींस वो एरिया होगा जिसपे आप लिख सकते हैं, वो है 10x6.25। मोस्टली मार्केट में 10x6, 10x समथिंग अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये एरिया काफी सुटेबल है फॉर टीचिंग ऑनलाइन। और प्रेशर लेवल्स इसके 8192 हैं, टिल्ट 60 डिग्री तक है, और बैटरी फ्री है बिकॉज ये लैपटॉप के साथ अटैच होकर उसी के साथ मैनुअली रन करता है। अगर आप लोग बाकी शॉर्टकट कीज देखें तो इसमें 8 शॉर्टकट कीज हैं, पोर्ट्स इंक्लूडेड हैं, इसमें यूएसबी सी टाइप भी है, और रेजोल्यूशन इसमें 5080 LPI है। तो ये एक्सपी पेन का मॉडल है, इसमें वेकॉम का भी आता है, इसमें बाकी भी कंपनीज के आते हैं, पार्कलो का भी आता है। इसकी जो प्राइस है वो आपको जो ये मॉडल है जिसकी जो साइज के मुताबिक 10x6.25, ये तकरीबन आपको मार्केट में 20,000-21,000 तक मिलेगी, और अगर आप लोग ऑफ मार्केट डिस्काउंट की तरफ जाएं तो शायद 19,000 या 18,500 की भी मिल सकती है। तो कराची में या लाहौर में या डिफरेंट सिटीज में इसकी प्राइस वेरी कर सकती है, एंड पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो किस रेट पे बेच रहे हैं। तो अराउंड आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20,000 तक ये मार्केट में अवेलेबल है, 20,000 तक, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में रिव्यूज ग्राफिक टैबलेट के बहुत कम है। जब मैंने लेना था तो मुझे भी काफी प्रॉब्लम आ रही थी इसमें परचेज करने में और आइडिया लगाने में कि कहां से परचेज करना है और कितने का परचेज करना है। एनीवेज, तो अब इसको ओपन करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मौजूद है। जो इसका बॉक्स है वो कुछ इस तरह का ब्लू बॉक्स है, ऊपर से कवरिंग हटाने के बाद प्लेन ब्लू, और चारों तरफ से अगर आप इसको रिमूव करते हैं, इसका जो मेन ऊपर कवर है, तो इसके बाद आपको यहां पे ग्राफिक टैबलेट मिलता है। कुछ इस तरह का, तो ये आपके पास एक्सपी पेन का ग्राफिक टैबलेट है जिसकी 8 शॉर्टकट कीज, जो शुरू में मेंशन था 1, 2, 3, 4 ये मेंशन है, राइट। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इसको हम देखते हैं साथ साथ। इसके बाद इसमें एक आपके पास स्क्रीन प्रोटेक्टर टाइप मौजूद होता है, जो कि आपने ग्राफिक टैबलेट के ऊपर रखना होता है, ये जैसे इस प्लास्टिक के अंदर है, ये इसका कवर होता है जो कि हम लोग यूज करेंगे तो इसके ऊपर रखेंगे। इसके बाद आपके पास एक बुक है, मैनुअल की जिसे कह सकते हैं, और कनेक्टिंग टेबल केबल है, यूएसबी पोर्ट एक तरफ से और एक तरफ इसमें ये केबल लगेगी, और इसके साथ आगे कनेक्टर्स भी हैं, अगर आप मुख्तलिफ कनेक्शंस करना चाहते हैं तो वो कनेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये एक इसका ग्लव्स है, एक्सपी पेन इस पे मेंशन है। देन इसके साथ आपके पास 2 मैनुअल बुक्स हैं, क्विक गाइड, और इसमें सारी कीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, बेसिकली फ्रॉम चाइना। तो 2 कीज अलहदा हैं। वारंटी पॉलिसीज की जो मुझे वारंटी मिली है वो 10 मंथ्स की मिली है, मतलब अराउंड 1 ईयर। तो बाकी इसमें कनेक्टिंग पोर्ट्स हैं, केबल, और ये जो है ये पेन की निब्स हैं, ये जो ग्राफिक टैबलेट के साथ जो पेन मौजूद है इसकी पेन्स हैं, ये रिमूवेबल होती हैं, ये आप यूज कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। और ये जो है ये इस पेन का होल्डर है, मतलब आप इसको रखकर उसके ऊपर पेन होल्ड करवा सकते हैं, राइट। और ये आपके पास पेन है, पेन के अंदर भी 2 कीज मौजूद हैं जो कि आप माउस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें,
और की इसको परफेक्टली नेम दे सकते हैं कि ये की क्या करेगी, वो की क्या करेगी, ठीक है। इसके साथ जो आपके पास जो ग्राफिक टैबलेट है उसको अगर हम ओपन करते हैं, आपके पास ये कवरिंग इसकी होगी। इसके ऊपर ऑलरेडी उन्होंने एक कवर चढ़ाया हुआ है, ये आप रिमूव करेंगे तो ये जो स्क्रीन का प्रोटेक्टर है आप वो लगा देंगे, ठीक है। यहां पे जो ये मेंशन है, ये चार पॉइंट्स मेंशन है इस पे, ये जो रीजन होगा ये इसका एक्टिव एरिया होगा, जो हमने शुरू में पढ़ा था 10 × 6.5, ये रीजन पे आप लिख सकते हैं। ये कीज है आपकी, ये बटन जो है, और इसके ऊपर आपने यूज करने से पहले ये जो कवर है वो रखना होता है, और जो इसकी ये ब्लैक जो लोअर लेयर है वो इस एक्सपी पेन की तरफ आनी चाहिए, ठीक हो गया। साइड्स में चेक करें तो हमारे पास इसके सिर्फ एक पोर्ट की जगह दी गई है जो आप पोर्ट कनेक्ट करेंगे लैपटॉप के साथ, बाकी ये काफी लाइट वेट है, मटेरियल अच्छा लग रहा है इसका, और यूज करने के बाद मैं इसका एक और रिव्यू ऐड करूंगा। थैंक यू।